कोई हत्यारा है तो किसी पर बलात्कार का आरोप। ये है कुछ ऐसे यूट्यूबर जो सलाखों के पीछे पहुंच गए। राजवीर कुमार। राजवीर कुमार उर्फ राजीव सिसोदिया एक फिटनेस यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस चैनल पर 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिस पर राजवीर लोगों को बॉडी बनाने की टिप्स देते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर एक महिला की बॉडी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा। दरअसल एक युवती के अनुसार राजवीर ने उसका बलात्कार किया है, उसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके तकरीबन 13 लाख रुपए ऐंठने के बाद भी उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवती का कहना है कि राजवीर से तकरीबन 2 साल पहले नोएडा की एक सोसाइटी में उनकी मुलाकात हुई। एक दिन राजीव युवती को अपने साथ कार में बैठाकर घुमाने के बहाने नोएडा की तरफ ले गया। इसके बाद सेक्टर 39 क्षेत्र में एक मकान में ले जाकर युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना डाली। बाद में वीडियो दिखाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। उसने युवती से 13 लाख रुपए भी ठग लिए। इसी के चलते पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को पकड़ लिया है और फिलहाल राजवीर सलाखों के पीछे है। निजामुल खान। ये एक यूट्यूबर स्टार है। चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और नाम था निजामुल खान। उनकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक सिर फिरी आशिकी का फितूर निजामुल खान के दिल पर ऐसा छाया कि स्टार से सीधे कातिल बन गया। दरअसल निजामुल खान की दोस्ती नोएडा सेक्टर 31 में रहने वाली साक्षी से थी। इस दोस्ती की खबर साक्षी के भाई कमल को लग गई। कमल ने अपनी बहन को इस दोस्ती को तोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद से साक्षी ने निजामुल से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन निजामुल लगातार साक्षी से बात करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से कमल ने उसकी पिटाई कर दी। और इस पिटाई का बदला लेने के लिए निजामुल ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कमल की हत्या करने की साजिश रच डाली। 28 अक्टूबर 2020 को शाम को पुलिस ने कमल की लाश एक मंदिर के पास बरामद की। जांच पड़ताल करने के बाद इस हत्या के तार जब पुलिस ने तलाशने शुरू किए तो कड़ियां यूट्यूब पर धमाल मचा रहे निजामुल खान तक पहुंच गई, जब अपने साथियों के साथ सलाखों के पीछे है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। मुकेश गुप्ता। यह है प्रैंक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर मुकेश गुप्ता। लॉकडाउन में एक तरफ जहां कईयों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के धंधे बंद पड़े थे, उसी दौर में मुकेश और उसके कुछ साथियों ने प्रैंक के नाम पर अश्लील वीडियो को YouTube चैनल पर अपलोड करना शुरू किया और लॉकडाउन काल में ही करोड़ों रुपए कमाए। मजाक के नाम पर बनाए गए इनके वीडियो किसी अश्लील फिल्म से कम नहीं थे। अपने वीडियो में वे दिखाते थे कि कैसे राह चलती लड़कियों को छेड़ा जाए। मुकेश गुप्ता के प्रैंक वीडियोज पर 15 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। इन सभी वीडियोज में अश्लीलता कूट कूट कर भरी है। इनमें डबल मीनिंग वाली भाषा का इस्तेमाल है और कई वीडियो में तो लड़कियों के कपड़े तक उतार दिए जाते हैं। कुछ वीडियो में तो नाबालिग बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया, जो महिलाओं से अश्लील बातचीत करते हैं। इन वीडियो में दिखाई जाने वाली तकरीबन सभी लड़कियां उन्हीं को टीम से होती थी, लेकिन कभी कभार ये राह चलती लड़कियों के साथ सचमुच भद्दे मजाक कर लिया करते थे। इन सब की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची तो सपनों के महल में रहने वाले मुकेश और उसके साथी सलाखों के पीछे पहुंच गए। मोनालिसा परेज। मोनालिसा अपने चैनल पर फैशन और ब्यूटी संबंधित वीडियो बनाया करती थी। 26 जून 2017 में मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक वीडियो बनाने की सोची। दरअसल इन्होंने कहीं पढ़ा था कि एक बेहद मोटी किताब बंदूक से निकलने वाली गोली को रोक सकती है, यानी कि बंदूक की गोली किताब के आर पार नहीं हो सकती। इसी चीज को आजमाने के लिए मोनालिसा के बॉयफ्रेंड ने अपने सीने के आगे किताब लगाई और मोनालिसा ने गन पकड़कर फायर कर दिया। यही बेवकूफी मोनालिसा के बॉयफ्रेंड की जान ले बैठी। बंदूक से निकली गोली किताब के पार जा निकली और मौके पर ही वो लड़का मारा गया। देखा जाए तो इसे हत्या नहीं कहा जा सकता, इसमें इन दोनों की गलती थी, जिसको देखते हुए मोनालिसा को महज 6 महीने की कैद हुई। शुभम मिश्रा। ये है यूट्यूबर शुभम मिश्रा, जिन्हें आप हिंदुस्तानी भाऊ का लाइट वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि जनाबी भाऊ की तरह कार में बैठकर वीडियोस बनाते हैं और जिसे चाहे उसे भर भर कर गालियां देते हैं।
तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं और नाजुक लोग हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें थोड़ी गालियाँ हो सकती है तो तुम बिगड़ सकते हो, क्योंकि सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ मेरे ही वीडियो चलते हैं हर जगह, तो मुझसे ही तो सीखते हो, तो प्लीज मत देखना। बीते साल इनके नाम का हैशटैग ट्विटर पर खासा वायरल रहा। वजह थी इनके द्वारा कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को दी गई बलात्कार की धमकी। दरअसल स्टैंडअप कॉमेडियन अग्रिमा ने मुंबई में बन रही शिवाजी महाराज की मूर्ति का मजाक बनाया था। अग्रिमा ने हंसी हंसी में कहा कि मोदी जी द्वारा बनवाई जा रही शिवाजी की इस मूर्ति की आंखों से लेजर लाइट निकलेगी, जिससे पाकिस्तानी आतंकी मारे जाएंगे, और साथ ही इस मूर्ति में सोलर सेल्स भी होंगी जिससे पूरे महाराष्ट्र को बिजली मिलेगी। शिवाजी महाराज पर की गई इस कॉमेडी के बाद से अग्रिमा को काफी विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा। इसी श्रृंखला में यूट्यूबर शुभम मिश्रा ने भी अग्रिमा को लेकर एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अनेक अपशब्द बोलते हुए अग्रिमा को बलात्कार की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और शुभम मिश्रा को हिरासत में ले लिया। स्टेनिस्ला रेशनिको, रशिया के रहने वाले इस यूट्यूबर को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में जेल हुई है। दरअसल लाइव स्ट्रीम के दौरान एक दर्शक ने कहा था कि अगर इस ठंडी बर्फीली रात में तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें $1,000 दूंगा। स्टेनिस्ला ने $1,000 लेने के लालच में ऐसा ही किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को घर से बाहर ठंड में धकेल दिया। कुछ देर बाद पता चला कि ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया होकर उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हो चुकी थी। वो उसे अंदर ले आया और लाइव स्ट्रीम करता रहा, जबकि जिस गर्लफ्रेंड को वो बेहोश समझ रहा था वो उस समय मर चुकी थी। यानी उसकी मौत के बाद वो काफी देर तक स्ट्रीम करता रहा। फिर जब ये बात पुख्ता हो गई कि लड़की मर चुकी है, वो पुलिस ने उसे धर दबोचा। विजय पी नैर, ये बुढ़ऊ अपने यूट्यूब चैनल पर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उनकी बेइज्जती करने वाली टिप्पणियां किया करते थे। 15 अगस्त को इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था, भारत में रहने वाली फेमिनिस्ट खासकर केरल में रहने वाली आखिर अंडरवियर क्यों नहीं पहनती। इस वीडियो में विजय ने 86 वर्षीय बुजुर्ग कवि और कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी और भाग्यलक्ष्मी सहित कई महिलाओं को बेइज्जत किया। इसकी शिकायत जब पुलिस के पास करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो महिलाओं ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया और खुद ही इसका मुंह काला करके सजा दे डाली। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।